एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। जो पास्ट वीक गया काफी बढ़िया रहा, क्या ट्रेंडिंग मार्केट था, और इसी मार्केट में बहती गंगा में हम लोगों ने भी हाथ धोए। यहाँ पर मैंने वीडियोस भी डाले बीजीआर एनर्जी का, बैक टू बैक थर्सडे को 10% सर्किट, फ्राइडे को 10% सर्किट लगा, फिर उसके बाद थर्सडे की इवनिंग में मैंने वीडियो डाला ओम इंफ्रा का, एंड गेस व्हाट, फ्राइडे को 20% अपर सर्किट लगा। क्या बढ़िया मार्केट था, मजा आ गया। इसी तरीके से और भी एनालिसिस देखेंगे वीडियो के थ्रू, और नॉलेज एडुकेशन इंपार्ट करने का ट्राई करूंगा, बट उसके लिए आप लोगों को भी वीडियो शेयर करने होंगे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलते अपने आज के स्टॉक पर, टेक्नो फंड एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक के, संघवी मूवर्स के। क्या टेक्निकल एनालिसिस है, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, और एलोकेशन कितना दिया जा सकता है, वो सब आज चेक करने वाले हैं। चलते अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। आज पहले फंडामेंटल पार्ट देखते हैं। हम लोग हर बार पहले टेक्निकल पार्ट देखते हैं फिर फंडामेंटल पे जाते हैं। अब यहां पर एक जो स्ट्रांग मूवमेंट लग रहा है, ये 25 रुपए, मोटा मोटा 50 रुपए से वापस 250 तक आ गया, बट उसके लिए आज हम लोग पहले देखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल की बात करें तो यहां पर प्रमोटर की कांस्टेंट होल्डिंग नजर आ रही है 47% के आसपास। वापस FII जो एक छोटा सा एक चिल्लर सा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं 0.07, नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। और यहां पर DII ने ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, नेवरलेस, बट पब्लिक होल्डिंग में 51% जो है, क्या कोई बड़ा नाम है सामने? यहाँ पर हमारे पास है बॉडी कॉर्पोरेट 5%, केदार 5%, HUF एंड सो ऑन। सो राउंड ऑफ टू राउंड ऑफ 5, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, राउंड ऑफ टू 24-25% होल्डिंग ऐसा है जो फ्री फ्लोट अवेलेबल नहीं है, और 25-26% के आसपास ऐसी होल्डिंग है जो फ्री फ्लोट अवेलेबल है। यानी कि यह बोला जा सकता है कि वॉल्यूम्स यहां पर वापस से थोड़े से कम से हैं, बिकॉज फ्री फ्लोट अवेलेबल कम है। क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट की तरफ भी एक नजर मारेंगे। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो वापस से 51 करोड़, 54 करोड़, वापस काफी अच्छा जंप आया, जो कि ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 81 यानी 1.5 टाइम्स। 76-70 वापस से धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसको बेस बनाकर आगे की तरफ मूव किया जाए। यहां पर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, वो थी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट को ध्यान से देखो, 7 करोड़ रिड्यूस होके करा, 6 करोड़ रिड्यूस होके करा, 5 करोड़ और रिड्यूस होके करा 4 करोड़। हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी धीरे 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 डेट फ्री भी हो जाए। चलो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस भी धीरे धीरे कंपनी, अब देखो यहां पर हम लोगों ने जो टेक्निकल मूव देखा था, ये जो टेक्निकल मूव है वो यहां पर फंडामेंटल से भी बैलेंस हो गया, फंडामेंटल ने भी वैलिडेट कर दिया, बैलेंस की जगह वर्ड यूज करते हैं वैलिडेट कर दिया। -4 करोड़ लॉस, लॉस 13 करोड़, वापस प्रॉफिट 7, थोड़ा सा एक लॉस आया और वापस से गाड़ी यानी पटरी पर आ गई, प्रॉफिट में आ गई। अब यहां पर चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट पर एक नजर मार लेते हैं। अब देखो कंपनी का बेस कितना छोटा है, ओनली 8.6 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, उसमें से भी प्रमोटर के पास थे, उसमें से भी यहां पर हमारे पास FII के पास नेग्लिजिबल थे, DII के पास बहुत नेग्लिजिबल था, बट पब्लिक में भी फ्री फ्लोट ज्यादा अवेलेबल नहीं था, यानी कि वॉल्यूम थोड़े से कम थे। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो यहां पर कंपनी बैक टू बैक 5 ईयर से अपने रिजर्व्स को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाई है, ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट हां अच्छा पॉइंट ये है कि रिजर्व्स को यूटिलाइज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहां करंट लाइबिलिटीज भी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलूंगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी यहां पर कम हो गई। अगर यहां पर पैटर्न देखें तो 519, 300, 200 और वापस 150, जो कि हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स देख के ही समझ गए थे फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है, यानी हो सकता है धीरे 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 आगे आने वाले 2-3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन में कंपनी धीरे धीरे यहां पर अपने आप को डेट फ्री कर दे। चलो ये था एक फंडामेंटल एस्पेक्ट, अब जाएंगे टेक्निकल एस्पेक्ट पे। चलो वापस से वही क्वेश्चन रिपीट करता हूं, पॉज द वीडियो, यहां पर आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या क्या लोगों ने आंसर किया। जिन लोगों ने कहा यहां पर फ्लैग पैटर्न है, वैलिड है, फ्लैग ब्रेकआउट है। जिन लोगों ने कहा कप एंड हैंडल, वैलिड है।
इवन कुछ लोगों ने कहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, वो भी वैलिड है। और वन ऑफ माय फेवरेट जिसने कहा राउंड बॉटम है, बिल्कुल सही जवाब, राउंड बॉटम भी है। यहां पर अगर स्टार्ट करें पहले फ्लैग से, पैटर्न ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न विजिबल हुए। तो यहां पर फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरह विजिबल हुआ, ये यहां पर ब्रेकआउट मोमेंटम पर। नेक्स्ट पार्ट पे जाएं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए, हेड एंड शोल्डर्स, तो यहां पर कुछ जाके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, ये देखिएगा। और ये इसकी बेंचमार्क से ऊपर निकल गया वापस, यानी नेकलाइन से ऊपर गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, राउंड बॉटम। अब ये वीकली चार्ट में राउंड बॉटम कंप्लीट कर रहा है। सो पता क्या है, वीकली चार्ट में राउंड बॉटम कंप्लीट कर रहा है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है ही, स्ट्रोक के टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल भी मर्ज हो जाते हैं। डेली चार्ट में राउंड बॉटम कंप्लीट कर रहा है तो समझ आता है कि दो चार दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। बट वीकली चार्ट में समझ आ जाता है कि बैक टू बैक, इमेजिन करो यहां पर कितने क्वार्टर के रिजल्ट्स। अगर मैं यहां से भी इमेजिन करूं, यहां से जब होल मार्केट बॉटम आउट हुआ, यानी अप्रैल से लेकर अभी तक 6 क्वार्टर के रिजल्ट यहां पर फैक्टर्ड इन हो चुके। पर मैं बात करूं, देखो 6 क्वार्टर के रिजल्ट, मार्केट यहां पर होल बॉटम आउट हुआ मार्च में, यानी अप्रैल में, अप्रैल से लेकर अभी तक 6 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं जो फैक्टर इन हो चुके हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 फंडामेंटल भी टेक्निकल को वैलिडेट कर रहे हैं। चलो जल्दी से आते हैं अपने लेवल्स वगैरह की तरफ। लेवल्स में अब मुझे ये स्टॉक पसंद क्यों आया, सबसे पहले तो वो देखते हैं। ये जो स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, वो भी रेजिस्टेंस पॉइंट कब का, 2017 का, विच मींस ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट आया है, 4.5 साल बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है यहां पर। अब ये कैंडल सस्टेन भी कर रही है, अब चाहे तो वॉल्यूम में लगा के देख सकते हैं, आज मैंने वॉल्यूम नहीं लगा रखा था, देख लेते हैं वॉल्यूम क्या बोलता है यहां पर। ये देखो क्या बढ़िया वॉल्यूम पिकिंग अप हो रही है यहां पर, लास्ट 6 महीने, 7-8 महीने और इस क्वार्टर में भी क्या बढ़िया वॉल्यूम्स ने प्रदर्शन किया है। और अगर वो भी नहीं देखना चाहते तो सिंपली ये भी देख सकते हैं, स्टॉक हाइयर आई हाइयर लो भी बना रहा है, वॉल्यूम भी देखा, हाइयर आई हाइयर लो भी बना रहा है। बात कर लेते हैं जल्दी से लेवल्स और एलोकेशन की विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टॉक चल रहा है 253 के आसपास, राउंड बॉटम की वजह से मैं कंप्लीट 374 और 380 तक, 374 380 तक होल्ड करना चाहूंगा। बात कर लेते हैं अब यहां पर स्टॉप लॉस की, तो ये एक लास्ट स्टॉप लॉस यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि है 167 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के नियर बाय आएगा, क्योंकि हम ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक करता है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, यह भी नहीं है कि बुरा रिस्क रिवॉर्ड हो। प्लस सबसे अच्छी बात है टेक्निकल्स देखा, फंडामेंटल्स देखा और हम लोगों ने यहां पर वॉल्यूम्स भी देखे, मल्टीपल कंफर्मेशंस लिया यहां पर पैटर्न्स के थ्रू और टेक्निकल फंडामेंटल के थ्रू। क्विक वीडियो, क्विक एनालिसिस थे संगमी मूवर्स के। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।